दोस्तों आप किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन में ये जो डिफ़ॉल्ट मैसेज एप्लीकेशन है, मैसेज एप्लीकेशन देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए मैसेज एप्लीकेशन देखने में कितना बोरिंग लग रहा है। मैं आप सभी को इस पूरा बताऊँगा किस तरीके से मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी फ़ोटो सेट करना चाहते हो, किस तरीके से मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट कर पाओगे। यकीन मानना, जब यह सेटिंग मैसेज एप्लीकेशन में कर लोगे, फोटो सेट कर लोगे और आपके दोस्त या फिर कोई भी देखकर पूरी तरीके से चौंकने वाले हैं और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे आपने ये सेटिंग किया कैसे, चल हमें बता। अगर आप जानना चाहते हो किस प्रकार से मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट कर पाओगे सब कुछ जानने के लिए, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट पर। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए मैसेज ट्रिक्स। दोस्तों ये छोटा सा कमेंट लिखकर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों आप किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक सेटिंग बताऊंगा जिससे मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में अपना फोटो या फिर जो भी फोटो सेट करना चाहते हो मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट कर पाओगे। और वो सेटिंग क्या है जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना और समझना और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी हो सके वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट कर पाएँ। मैसेज एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में फोटो सेट करने के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको। और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे देखिए ऑप्शन है ओके, ओके के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये टर्म एंड कंडीशन पर टिक कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर ओके कीजिए और एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट में सेट कर लीजिए, फिर ओके कीजिए और यहाँ पर देखिए सारे मैसेजेस आ जाएंगे और यहाँ से मैसेजेस रिप्ले कर सकते हो, किसी के पास मैसेज कर सकते हो। फिर नीचे देखिए ऑप्शन है सेटिंग आइकन, सेटिंग आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है थीम, थीम के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे थीम मिलेंगे और ये सभी थीम फ्री हैं। जो भी थीम अच्छा लगे यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकती हो और यहाँ से थीम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा जो भी आपको करना हो, अगर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे ये सेट हो जाएगा। सो बहुत सारे यहाँ पर देखिए थीम ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ से जो भी थीम अच्छा लगे यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ़ोटो सेट करने के लिए बैकग्राउंड में यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फोटो सेट करना चाहते हो या फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कीजिए, गैलरी ओपन हो जाएगा, गैलरी से फोटो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर फोटो को अपने हिसाब से यहाँ पर जूम भी कर सकते हो, जितना भी फोटो आप सेट करना चाहते हो फोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ से फोटो क्रॉप करने के बाद इसे टिक कीजिए, टिक करने के बाद ऊपर देखिए ये ब्लर है तो यहाँ से इसे कम कर दीजिए, देखिए फोटो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अपने तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर लेना, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट हो चुका है और देखने में देखिए कितना यूनिक और डिफरेंट लग रहा है। और यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, मैसेजेस रिप्ले कर सकते हो, फिर एप्लीकेशन यहाँ से डिफ़ॉल्ट मैसेज एप्लीकेशन को हटा के ये एप्लीकेशन यहाँ पर रख दीजिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और एप्लीकेशन में कोई ऐड भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सही एप्लीकेशन है, डिफ़ॉल्ट मैसेज एप्लीकेशन में इस तरीके से आप फोटो सेट कर सकते हो और देखने में देखिए कितना यूनिक और डिफरेंट लग रहा है। एप्लीकेशन लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।